जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, पुलिस पार्टी पर किया गया हमला। 15 घंटे के अंदर दूसरा आतंकी हमला, बाजार में अफरा तफरी, जान बचाकर भागते दिखे लोग। आतंकी मुठभेड़ में दो पुलिस वालों की शहादत, सामने आई संदिग्ध आतंकी की तस्वीर। अनंतनाग आतंकी हमले के बाद बीएसएफ डीजी का बयान, निशाने पर है अमरनाथ यात्रा। एक दिन पहले आतंकी हमले में बीएसएफ के 3 जवानों की हुई थी शहादत, शहीदों को सैनिक सम्मान के साथ। डाउन हो यार। दाव से रिश्ते और जमीन खरीद घोटाले में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को सौंपा गया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने किया ट्वीट, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। आज तक ने दिखाई थी एकनाथ खड़से की दाऊद से बातचीत और जमीन घोटाले की खबर, एक हफ्ते से बढ़ रहा था इस्तीफे का दबाव। एमआईडीसी की जमीन और दाऊद की फोन कॉल जैसे आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से ने जारी किया था वीडियो बयान, कहा अंडरग्राउंड नहीं होने जा रहा। इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा खड़से की होनी चाहिए गिरफ्तारी। इस्तीफे को लेकर एकनाथ खड़से का बयान, मीडिया ट्रायल का बना शिकार। खड़से के इस्तीफे को अभी बता रही है अंजलि दमानिया, जांच के ऐलान तक जारी रहेगा अनशन। खड़से के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, बीजेपी के लिए का साफ शहीद हेडली, ईमानदार गवाह और दाऊद है दो। जलगांव के मुक्तिनगर में खड़से के समर्थकों का प्रदर्शन, टायरों में लगाई आग, सड़क जाम। स्टिंग केस फंसे उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत लगा रहे हैं मंदिरों के फेरे, अल्मोड़ा में गोलू मंदिर में की पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना, कुल छह दिनों अफगानिस्तान से आज कतर के लिए निकले पीएम, फिर स्विट्जरलैंड के बाद 6 जून को पहुंचेंगे अमेरिका। मथुराकांड के गवाह बच्चों ने बताई आश्रम की हकीकत, कहा खाने के लिए मिलती थी खिचड़ी। बच्चों ने बताया आश्रम में सुभाष चंद्र बोस के रखते थे नारे, बच्चों को बगावत की ट्रेनिंग। मथुरा हिंसा के बाद 2 दिन के बाद भी मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव के जिंदा या मुर्दा होने पर संशय बरकरार, जवाहर बाग में कई शव जली हालत में मिले। 2 शवों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त, हिंसा में 24 लोगों की मौत, 368 हुए गिरफ्तार। रामवृक्ष के समर्थकों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है, अवैध असलहा और विस्फोटक के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। जौनपुर में गोमती नदी के तट पर शहीद थानेदार संतोष यादव का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए जुटा जन सैलाब। डीएम ने कहा जवाहर बाग खाली कराने का काम किसी और दिन होना था, पुलिस सिर्फ मुआयना करने गई थी, अंदर से शुरू हो गई फायरिंग। जवाहर बाग हिंसा में पुलिस करेगी माओवादी एंगल की जांच, रामवृक्ष और उसके समर्थकों के साथ नक्सलियों के छिपे होने की जांच होगी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी पहुंची अस्पताल, जवाहर बाग हिंसा में घायल पुलिस वालों से की मुलाकात। शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिली हेमा, कहा बहादुर पुलिस वालों पर है नाज। मथुराकांड में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सियासी वार, कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल है सरकार। लखनऊ में मायावती के घर के बाहर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था आर्थिक आधार पर सवर्णों को मिले आरक्षण। यूपी के महोबा दौरे पर है अखिलेश यादव, सूखा राहत के काम की समीक्षा, 8 तालाबों का किया लोकार्पण। श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने गए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को सिरोपा भेंट करने से इनकार, हाथ में रखे 2 बताशे। घटना के बाद दोनों ग्रंथों के मुख्य भवन की ड्यूटी से हटाया गया, ऐसी घटना को अंजाम देने वाले ग्रंथियों ने कहा सीएम को समझना चाहिए सिखों का गुस्सा। यूपी में दलित वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर, कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में लिया हिस्सा। अमित शाह ने असम जीत का दिया हवाला, बूथ मालिकों पर जताया भरोसा, एसपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टर वॉर, शाह और पीएम से पूछा कहां है काला धन, गंगा कब तक साफ होगी। गुड़गांव में आयुध डिपो के पास एयरफोर्स का ड्रोन क्रैश, रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे कब्जे में लिया, ड्रोन का वजन 7 किलो, सर्वे के लिए होता था इस्तेमाल। भुवनेश्वर में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। बेंगलुरु से कोलकाता जा रहा था विमान, कैप्टन ने तकनीकी खराबी का किया था ऐलान। झारखंड के में शराब के खिलाफ सड़क पर महिलाएं, 1 दर्जन गांव की महिलाओं ने निकाली रैली। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चलने वाले किडनी रैकेट में बड़ा खुलासा, देश के बाहर चल रहा था धंधा। किडनी रैकेट में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी, लाखों में होता था किडनी का सौदा। पुलिस के मुताबिक कोलकाता का रहने वाला है किडनी रैकेट का मुख्य सरगना, राष्ट्रीय टीम कर रही है छापेमारी।
कोलकाता चेन्नई सहित कई शहरों में पुलिस का छापा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी कागजात, फर्जी वोटर आई कार्ड, फोटोग्राफ, मेडिकल रिपोर्ट जब्त। गिरफ्तार धंधेबाजों ने बताया कोयम्बटूर में भी निकलवा चुके हैं 12 से 15 किडनियां, किडनी बेचने वाली 3 महिलाएं एम्स में भर्ती। दिल्ली में मां की खौफनाक घटना, पति ने शराब के नशे में पत्नी का किया कत्ल। प्रदीप और मोनिका ने परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी, हत्या के 2 दिन बाद गिरफ्तारी। सवारों ने पुलिस कांस्टेबल को मारी गोली, गीता कॉलोनी की घटना, हाथ में लगी थी गोली। महिला की चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे बदमाश, सादी वर्दी में तैनात पुलिस ने की रोकने की कोशिश। लेन में हुआ खूनी संघर्ष, फायरिंग और पथराव में 8 लोग हुए घायल। होशियारपुर में सेवा मिशन के प्रधान स्वामी कृष्ण लापता, नहर के किनारे मिला शव। गौ तस्करी का विरोध, कृष्णानंद जी उनके लापता होने से गुस्से में है सेवक, लगाया सड़क जाम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में छात्र की हत्या, 2 साथियों पर आरोप, परिवार वालों से मांगी थी फिरौती। राजस्थान की बूंदी में मंदिर में चोरी की गई मूर्तियां बरामद, 4 आरोपियों में 2 नाबालिग। उज्जैन के महिदपुर में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव, कुछ दुकानों में घुसकर लोगों ने की तोड़फोड़, इलाके में धारा 144 लागू। तमिलनाडु की कृष्णागिरी में हुआ बेहद दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में 17 लोगों की मौत, 39 लोग घायल, मातम में डूबे परिजन। घायलों में कई की हालत नाजुक, एक ट्रक बस और 2 कारों में एक साथ हुई थी टक्कर। हादसे के बाद बस की हालत देखकर सिहर उठे लोग, क्रेन से मलबा हटाने की आई नौबत। फरीदाबाद में 30 फुट गहरे खुले मैन होल में एक महिला समेत 2 लोगों की ली जान, 2 साल से खुले मैन होल पर ध्यान नहीं दे रहा था नगर निगम। मोबाइल पर बात करते करते खुले मैन होल में गिरी थी महिला, बाद में महिला को बचाने गया था एक शख्स। गुड़गांव में एनजी रोड पर एक शराबी और उसके 2 साथियों ने पुलिस से की हाथापाई, आधे घंटे तक हुई मारपीट, 2 पुलिसकर्मियों की। शराबी युवकों पर नशे में एक लड़की से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में। वडोदरा में मामूली विवाद के बाद 3 बदमाशों ने रेस्टोरेंट के मालिक पर चाकू से किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में इंडिया गेट घूमने आए परिवार से बैटरी चालित कार और बाइक चलाने वाली वेंडरों की मारपीट, 3 महीने की मासूम को भी लगी चोट। गोंडा में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत, लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के ओखला में कम्युनिकेशन स्किल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से कूदकर छात्र ने दी जान, खुदकुशी के वक्त शिखा सभी को खुश रहना चाहिए, फिर लगा दी छलांग, रैगिंग का भी शक। दिल्ली यमुना विहार में रहने वाले 12वीं के छात्र प्रणव लापता, 21 मई को रिजल्ट आने के बाद घर से भागा था प्रणव, पुलिस ने के साथ दोस्तों ने सोशल मीडिया पर छेड़ा खोजी अभियान। जालंधर के अमरनगर में 9वीं कक्षा के छात्र ने जहर खाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा मैं फिर वापस आऊंगा। पुणे पुलिस की गिरफ्त में आई महिला चोरियों के गैंग की 5 महिलाएं, एक दुकान से चोरी की थी 70,000 रुपए की साड़ियां। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ हंगामा, एक परिवार ने जिंदा बच्ची की जगह दूसरी महिला की मृत बच्ची सौंपने का लगाया आरोप, डीएनए जांच की मांग। तिहाड़ जेल में फिर कैदियों के बीच झड़प, ब्लेडबाजी में 6 कैदी घायल। फरीदाबाद में छेड़छाड़ के विरोध कर महिला की हत्या, पड़ोसी पर चाकू घोप कर हत्या करने का आरोप। भटिंडा में एक गली में लिपटा मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एसओजी ने पकड़ी अवैध हथियारों की खेप, 5 पिस्टल और 90 कारतूस के साथ एक गिरफ्तार, एक नाबालिग भी हिरासत में। फरीदकोट के हरदयाले गांव में किसान ने कीटनाशक पीकर की खुदकुशी, कर से था परेशान। यूपी के देवरिया में चिटफंड घोटाले का आरोपी गिरफ्तार, ब्याज और नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा। यूपी के अंबेडकर नगर में पकड़ा गया 5 क्विंटल विस्फोटक, 20 कार्टन में ले जाए जा रहे थे बारूद। ललितपुर में राधा स्वामी सत्संग के कैंपस के कुएं से 10 नरकंकाल मिलने से सनसनी, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए अवशेष। वडोदरा में सुलेमानी चाल ढराए जाने के दौरान हुई हिंसा के बाद नई समस्या से रूबरू है प्रशासन, सुलेमानी चाल के विस्थापितों को पड़ोसी नहीं बनना चाहते हैं लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बेटे ने की मां की हत्या, मानसिक रूप से था बीमार। गुंटूर में ज्वेलरी की दुकान में घुसा बंदर, कुर्सी पर बैठकर करता रहा मुआयना। बंदर ने टेबल की दराज खोलकर निकाली रुपयों की गड्डी, 10,000 नकद लेकर फरार। सिलीगुड़ी में एसएसबी ने 975 किलो लाल चंदन किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्त में। यूपी के हरदोई में मिला 8 कोणों वाला ताला, पुरातत्व विभाग को दी गई जानकारी।
झारखंड के हजारीबाग में स्टेशन पर खड़े एक कोच में आग, वजह का पता नहीं, खाली थी कोच। चौहत्तर साल के महान बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन, अमेरिका के एरिजोना में फीनिक्स के अस्पताल में ली आखिरी सांस। 2 मई को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे मोहम्मद अली, 36 घंटे बाद बिगड़ने लगी थी हालत। काफी समय से पार्किंसन नाम की बीमारी से परेशान थे अली, 1980 में बीमारी का चला पता। 20वीं सदी के सबसे कामयाब बॉक्सर थे मोहम्मद अली, कई हैवीवेट चैंपियनशिप की अपने नाम। फ्रांस में सैलाब में 100 साल की सबसे बड़ी तबाही, 20,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। जर्मनी भी बारिश से पानी पानी, पूर्वी हिस्से का सबसे बुरा हाल, 8 शहरों में आपात स्थिति घोषित। चीन में भारी बारिश से तबाही का मंजर, सबसे ज्यादा प्रभावित नानचुआन जिला, 380 घर बाढ़ की चपेट में। बुधवार को हुबई में 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, कई जगहों पर करीब 2 मीटर तक हुआ जल भराव। अमेरिका के टेक्सास में सेना के 4 जवानों की तलाश जारी, ट्रक पलटने के बाद बाढ़ में बहे।